नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। गज स्थापना के मुहूर्त पर खुले मंदिर, कोराड़ी मंदिर में वैक्सीन के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 443 अंकों की उछाल के साथ खुला। बीते 24 घंटे में देश में 22,431 नए मामले आए सामने, 318 मरीजों की हुई मौत। पीएम मोदी ने दी नवरात्रि की बधाई, बोले ये त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। एनसीबी ने मुंबई क्रूज मामले में एक विदेशी को किया गिरफ्तार, ड्रग्स की सप्लाई का आरोप। नहीं थम रहा तेल में तेजी का सिलसिला, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.25 रुपए। विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी, बीमारी से हर साल जाती है 4 लोगों की जान। नागपुर ग्रामीण उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी, 16 में से 13 जगहों पर जीती कांग्रेस, वही 3 सीटों से भाजपा को होना पड़ा संतुष्ट। शहर में सामने आए कोरोना के 7 नए मामले, वही गुरुवार को कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं। शहर में सामने आए कोरोना के 7 नए मामले, वही गुरुवार को कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।